नमस्कार दोस्तों, मैं रात को स्वागत हूँ आपका चैटी के लाइटिंग पे। आज रात को हम लोग बात करने वाले हैं लवली इनू कॉइन के बारे में। अपनी लवली इनू कॉइन की लिस्टिंग को लेकर आप लोग आज बात बताने वाला हूँ। इसकी लिस्टिंग को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हम लोग को देखने को मिली इसकी ट्विटर हैंडल पे। ट्विटर हैंडल पे इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है वो इसने बता दी कौन सा एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, कितने तारीख होगी, कौन से डेट पर लिस्ट होगा, वो भी इन्होंने हमें बता दिया। तो चलिए आप लोग आज वीडियो में पूरी बात बताऊँगा कि लवली इनू कॉइन क्यों हम लोग को दो चार दिनों से अच्छा खासा पंप कर रहा था, लेकिन जितना पंप करते हैं तो कॉइन डंप कर ही देंगे। जितना इस कॉइन ऊपर तक गया था पंप क्या था 40 से 50% का, उतना फिर कॉइन नीचे आई यार, लेकिन 21% की डंपिंग इस कॉइन ने दिखाई है। थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो फिर एक जो ऐड हो जाएगा अपने यानी कि पुराने लेवल पे आ जाएगा। तो सिर्फ ये मान सकते हैं कोई पंपिंग हम लोग इस कॉइन में नहीं मिली है। अगर आज की हाई की बात करें तो अच्छा खासा हाई इस कॉइन ने क्रिएट किया था 1415 का, यानी अच्छा खासा हाई इस कॉइन ने आज की डेट में क्रिएट किया, अच्छा खासा पंप किया था सुबह सुबह ही। लेकिन फिर यहाँ पर सुबह से हम लोग को जैसे कौन थोड़ा मोड़ा पंप किया उसके बाद से लगातार ये जो कॉइन है लगातार नीचे आते हुए नजर आ रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें 24 आवर्स में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी 42% डाउन में जाते हुए नजर आया। ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी कोई पंपिंग हम लोग को आज की डेट में लवली इनू कॉइन में नहीं मिली। अगर बात करें चार्ट पैटर्न तो चार्ट पैटर्न में कुछ बहुत ज़्यादा जी भी चल रहा है। कॉइन जो है यहाँ पे ओपन हुआ था तो पंप किया फिर, लेकिन कॉइन जो है लगातार नीचे आना स्टार्ट कर दिया। फिर एक बार इस कॉइन ने अपने उसी लेवल पर कहते हैं ये डब्ल्यू तरीका इसने चार्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट किया है। कॉइन एक बार जहाँ पर था उस लेवल से थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर तक गया, फिर नीचे आया, फिर वहाँ तक गया और फिर वहाँ से कॉइन नीचे आना स्टार्ट किया। लगातार ऊपर नीचे करते करते कौन जो है नीचे ही आ रहा है। कोई पंपिंग का हम लोग को अभी से चार्ट पैटर्न में नहीं दिख रहा है कौन पंप करेगा अभी। आप यानी कि इतना कोई अच्छे पंप कर रहा था एक दो दिनों से, लेकिन तब भी अभी सब लोग यही कह रहे हैं। 2 घंटे पहले एक आदमी ने कमेंट किया लवली बिग स्कैम, इट इज़ वेरी एक्साइट नाउ एग्जिट नाउ। ये जो अभी कॉइन बेयर हो रहा है आप लोग लवली बहुत बड़ा स्कैम कॉइन है, इसको आप लोग यानी कि एग्जिट हो जाए यहाँ से। लवली एस्टिमेट विल हिट 1 सेंट सुने के अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि लवली कॉइन जो है अब 1 सेंट पहुँचने वाला है। लवली वाइट गोइंग अप, लवली 100x से आप लोग लवली हम लोग को 100x तक का प्रॉफिट देगा। लवली वाई ऑलवेज आप लोग लवली हम लोग को क्यों तैयार रोज पंप कर रहा है। लवली कंपेयर प्रोजेक्ट्स में लॉन्च इन 2021 लवली हैज़ वीक टेक, यानी कि आप जो लवली लोग जो लवली लोग कंपेयर कर रहा है वो प्रोजेक्ट्स है जो कि 2021 में लॉन्च हुए। लवली हैज़ वीक टेक जैसे नंबर 1 प्रोजेक्ट हम लोग ब्रैश हो यानी कि बिटगिट कॉइन का, इसके साथ हमने कंपेयर किया इसका जो 200 मिलियन है और यहाँ पे लवली लोग लगता है 200 मिलियन यहाँ पे हो गया। और फिर वहाँ तक बात है इसकी ब्रांड की बेबरोज कॉइन की, तो बेबरोज कॉइन की 150 मिलियन हो चुकी है, एसएफएम 180 मिलियन और यहाँ पर जो लवली डिडंट इवन मेक 100 मिलियन एंड काउंट कीप देयर 10 मिलियन मार्केट कैप। यहाँ पे मार्केट कैप की बात हो रही है बिटगिट कॉइन का 200 मिलियन का मार्केट कैप हो चुका है, बेबरोज कॉइन का 150 मिलियन का, एसएफएम का 180 मिलियन का, लेकिन लवली ने अभी तक यहाँ पे 100 मिलियन भी टच नहीं कर पाया, 10 मिलियन ही अभी तक इसका मार्केट कैप है। यानी कि अच्छा इसका मार्केट कैप भी अभी हमको नहीं देखने को मिलता है। बाकी सब कॉइन्स अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे लवली कॉइन हम लोग को बहुत ज़्यादा नीचे देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग को थोड़ा मोड़ा पंप किया, यानी कि यहाँ पे एक आदमी ये कह दिया कि लवली बायनेंस लिस्टिंग सून बायनेस 10x, यानी कि इन्होंने ये कह दिया कि लवली कॉइन जो है बायनेंस लिस्टिंग इसको होने वाली है, बहुत ज़्यादा आप लोग बाय करें। इन्होंने कुछ ज़्यादा बोले लवली का तो अभी बायनेंस लिस्टिंग का दूर दर तक कोई ऐसा पता नहीं, क्योंकि छोटे छोटे एक्सचेंजेस पे ये जो कॉइन अपने आप को लिस्ट कर रहा है कोई भी बड़ा एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं किया। हाँ बड़ा एक्सचेंज पर लिस्ट किया तो हुई ग्लोबल गेव डॉट आई हो, लेकिन उन सब पर लिस्टिंग के बाद तो कोई पंप हम लोग का इस कॉइन में मिला है। अब जहाँ तक बात इसकी लिस्टिंग वगैरह को लेकर के, उससे पहले बात कर लेकिन क्या अपडेट हम लोग उतने पहले दी थे 14 सितंबर के टॉप गेनर्स इन बीएनबी चेन इको सिस्टम लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट दिए जाने वाले मीम प्रोजेक्ट है इको सिस्टम पे क्रिप्टो मार्केट जैसे बीएनबी चेन के, उसमें लोग का नंबर 1 पे लवली इनू कॉइन मिला जिसमें आपने 19.6% का प्रॉफिट हम लोग को गाइस दिया है। और यहाँ पर आज की डेट में कल ही हम लोग को ये ट्वीट मिली जिसमें उन्होंने ये बताया था वी ऑन लवली इनू फाइनेंस टीम वुड लाइक टू सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द डिले ऑफ लिस्टिंग ऑन द 8 सितंबर। इनका ये कहने का मतलब है कि जो डेट है 8 सितंबर की, इसके डेट में एक लिस्टिंग होने वाली थी लेकिन वो लिस्टिंग यहाँ पे हुई नहीं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा क्या अपोलोजाइज भी कर रहे हैं कि माफ़ी मांग रहे हैं कि अगर हम लोग को माफ़ करते हैं अब हम लोग लिस्टिंग नहीं कर पाए। लेकिन अब जो है यहाँ पे लिस्टिंग का डेट आने वाली, आप लोग ऐसे लिस्टिंग अनाउंसमेंट हुआ कि कल इसकी लिस्टिंग का डेट आ जाएगी 14 सितंबर, क्योंकि आज 15 सितंबर है और आज इसकी वो लिस्टिंग की अनाउंसमेंट आने वाली है वो भी आ भी चुकी है। इन्होंने साथ में एक और यहाँ पे आइटम भी शेयर करते हुए ट्वीट की थी, ऑलवेज रिमेंबर द पॉपुलर आइटम बेटर लेट देन नेवर, यानी कि यहाँ पे लेट होना अच्छा रहेगा पर नहीं सही अच्छा रहेगा। यानी कि लेट होता है अगर आप लोग किसी चीज़ को करने में लेट हो जाते तो ठीक है, लेकिन आप लोग उसको करना छोड़ना नहीं। उससे बाद इन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग अगर कैंसिल कर देते हैं कहा जाता कि लिस्टिंग नहीं होगा तो वो अच्छी बात नहीं थी, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट करके लिस्ट कर रहे हैं ये अच्छी बात है, इस तरह कुछ इन्होंने यहाँ पे कहा है।
अब जहाँ तक बात है इसकी लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग है इसकी होने वाले बिटगेट एक्सचेंज पे। अगर आप लोगों ने मेरी पिछले कुछ दिनों की वीडियो देखी होगी, यानी तीन से चार दिन पहले वाली वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं आप लोगों को 3 से 4 दिन पहले ही बता देता कि बिटगेट पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। और ये मैं आप लोग कन्फर्म तरीके से 100% बता दी बिटगेट कौन पे इसकी लिस्टिंग होगी, सॉरी बिटगेट एक्सचेंज पे इसकी यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है। वही उन्होंने भी आप ट्वीट कर दिया, बिटगेट लिस्ट लवली फाइनेंस इन द इनवर्जन जोन। डिपॉजिट पीरियड यहाँ पे दिया है 15 September 10 AM UTC टू 19 September 10 AM UTC, यानी कि यहाँ पे 15 September से लेकर 19 September, ये 4 दिनों के अंदर में ये कॉइन कभी भी लिस्ट हो सकता है। और जैसे आप इसकी लिस्टिंग और डिपॉजिट वगैरह विड्रॉल ट्रेडिंग ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगी, वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। और मे बी क्या बिटगेट एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद कोई पम्प मिले, इसकी जो भी लिस्टिंग होती है तो उसके बाद लगता ही नहीं कौन पम्प करे, क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने के बाद कोई पम्प किया ही नहीं। तो लिस्टिंग को लेकर लिस्टिंग सुनते सुनते अब यहाँ पे लोग भी पक चुके होंगे, लिस्टिंग की न्यूज़ आ रही है, लिस्टिंग की न्यूज़ आ रही है, लेकिन तब भी कौन पम्प कर ही नहीं। ऐसे इसके पीछे क्या कारण है वो तो आप लोगों को पता होगा। लवली नोवाल जब भी कुछ पम्प करना स्टार्ट करता है तब लवली नोवाल अपने प्रॉफिट के चक्कर में पड़ हैं कि लोग यहाँ पे इसके होल्डर्स को प्रॉफिट हो जाए ना, लेकिन मेरी जेब यहाँ पे भरनी चाहिए। तो ये लोग यहाँ पे यही कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे लवली जैसे हमारे पम्प करने लगते हैं अपने टोकन्स को, जिन्होंने बाय करके रखा तो उसको सेल कर देते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जिससे फिर लवली को नीचे आने लगता है, जब नीचे आ जाता है तो लोग भी पैनिक हो जाते हैं, फिर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, इसे फिर हम लोग लवली नोवाल नीचे याद आता है। और क्या तब भी लवली नोवाल कुछ नहीं कहते, जबकि इसको बहुत है कि 100% में से 90% लोग, 80% लोग उसको ये कह चुके हैं कि लवली नोवाल एक तरीके से स्कैम प्रोजेक्ट है। तभी ये जो लवली नोवाल हैं अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार पॉजिटिव ट्वीट करते ही जा रहे हैं, देखिए कोई हम लोग अगर पम्प मिल गया तो जो बात आने से अगर कोई पम्प मिल जाता है लवली नोवाल में तो हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट कॉइन दे देगा, प्रॉफिट अगर नहीं भी तो हम लोग को लॉस भी पूरा कर देगा। तो गलत यानी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ लवली फाइनेंस अच्छा कॉइन है, अगर हम लोग का लॉस भी कॉइन कंप्लीट कर देता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा लवली नोवाल फाइनेंस की टीम को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बायबैक करें या रियल बायबैक करें, और साथ ही लिस्टिंग वगैरह करते रहे अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस पे, ताकि एक अच्छा पम्प स्क्वाड में हम लोग को मिले। तो ये कुछ बातें कुछ अपडेट थी, हुई हर चीज़ आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग कमेंट में या फिर अपने अगले वीडियो में दे दूँगा। आप चाहें अपने सब्सक्राइब कर लें, बैंक पर सेट कर लेते हैं, हर एक अपडेट जो आंसर में आएगी वो सभी आप लोग को मिलते रहे। तो जय हिंद जय भारत।